अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेसनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है, चैप्टर 9 है, सेंटर ऑफ मास एंड द लीनियर मोमेंटम। वो कहता है एक फिग दी है 9.70। इसमें आपके पास दो लंबे वाली बार्जेस हैं जो मूव कर रही है सेम डायरेक्शन, स्टिल वाटर के अंदर है। उनकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, यानी एक की स्पीड कम है, एक की स्पीड ज्यादा है। जब वो एक दूसरे को पास करेंगी तो कोयला एक से दूसरी में शिफ्ट किया जाएगा, स्लोअर टू फास्टर, यानी जिसकी स्पीड कम है उससे भेजना है ज्यादा वाले में, जिसकी स्पीड से 10 केजी पर मिनट पे। अब वो कहता है हाउ मच एडिशनल फोर्स, यानी जो ड्राइविंग इंजन को लगानी पड़ेगी फास्टर बार्जी की स्लोअर बार्जी की, कि ताकि उसकी स्पीड में बदलाव ना आए। अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो शोवलिंग है, यानी ये जो कोयला हम फेंक रहे हैं, ये परफेक्ट साइड वे पे है एक ही तरफ। फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो हम निगलेक्ट कर रहे हैं, वो मैस पे डिपेंड नहीं कर रही, उन कश्तियों के मैस पे डिपेंड नहीं कर रही। अब क्या जना, हमें जो यूनिट्स दिए हुए हैं ऐसे यूनिट्स में शिफ्ट कर लेते हैं। स्लो वाली कौन सी थी, 10 किलोमीटर पर आवर, शिफ्ट करेंगे तो 2.78 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। फिर आपकी 20 किलोमीटर पर आवर थी, उसको शिफ्ट करेंगे ऐसे यूनिट्स में तो 5.56 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। फिर जो कोयले का दिया गया 1000 केजी पर मिनट था, तो हम उसे पर सेकंड में शिफ्ट कर लेते हैं तो 16.67 केजी पर सेकंड आ जाएगा। अब ये चीजें हमें पता थी, ये मास ओवर टाइम दिया गया, ये याद रखिएगा, रेट का लफ्ज लिखा हुआ था। तो अब आपके पास क्या है, फोर्स जो अप्लाई होगी वो आपके पास फास्टर पे होगी, क्योंकि स्लोअर पे तो होगी नहीं, तो आप कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कोल के बराबर होगी। तो हम कहेंगे एफ फास्ट बराबर आ जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा एम, डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा वी लिखा जा सकता है। तो डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी तो दिया हुआ है, तो हम जो चेंज इन वेलोसिटी है वी फास्ट माइनस वी स्लो कर लेते हैं, सबकी वैल्यूज पता है, तो 46 न्यूटन। तो इसका मतलब 46 न्यूटन की फोर्स हमें उस पर उसके इंजन को लगानी पड़ेगी। फिर क्या जनाब, प्रॉब्लम स्टेट करता है कि फ्रिक्शनल फोर्स जब मास पे डिपेंड नहीं कर रही, तो लॉस ऑफ मास जो स्लोअर बल्ट पे है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि वो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए होगी शॉवलिंग के लिए। तो जनाब ये हमारे पास रिजल्ट था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।